वैसे फरवरी के सर्दियों के धूप की बात ही कुछ और होती है। कराची की यही है, दिन में गर्मी रात में सर्दी। गर्मा गर्म चाय नहीं लाया साथ में? चाय ला रहा होगा। शुरू तो करो तुम। ओहो गरम गरम। मेरा ठंडा भी है। मेरा तो गर्मा गर्म। ये आई ना बात, गर्मा गर्म चाय बहुत जल्दी से ले आओ। थैंक यू भैया, जजाकल्ला। खाओ तुम्हारा गर्म गर्म पराठा आ गया। गर्मा गर्म पराठा, ओहो हो मजा ही आ गया। वैसे नाजिश मैं सोच रहा था कि तुम मेरे जैसे मिडिल क्लास बंदे के साथ पूरी जिंदगी गुजार पाओगी अपनी। इतना मजे का खाना है और तुम मुझसे ये बातें कर रहे हो, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मेरी नीड्स तो इतनी सिंपल सी हैं। ये सारी फिल्मी बातें हैं नाजिश, हकीकत इससे बहुत कड़वी होती है। तुम क्या चाहते हो? मेरे पेरेंट्स मेरी शादी किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के निकम्मे से बेटे से करा दें, हाँ, जो पार्टी बॉय हो, ड्रिंक करता हो, ड्रग्स करता हो, हाँ, नए नए अफेयर चलाए, अपने बाप के पैसों पर ऐयाशी करे, ये चाहते हो तुम? सोचो कि मैं भी एक इंस्पायरिंग मिलियनेयर हुआ और मेरे पास जिंदगी की हर आसाइश मौजूद हुई। फिर हम दोनों एक दूसरे को पिछले एक साल से जानते हैं और आई लाइक द वे यू आर, और मुझे अच्छा लगता है कि तुम एक्सेप्ट करते हो बस जैसी मैं हूँ, एज इट इज। सच है। यू नो व्हाट नाजिश, आई वांट अ लाइफ जस्ट टू बी लाइक अ लव सॉन्ग, यू नो इश्क वाला लव टाइम्स। हेड तो जस्टिन बीबर खाना खा। व्हाट रेवर राशिद, इधर आओ ना यार। क्या बात है खान साहब, काम में दिल नहीं लग रहा? बैठो साहब, बैठो। दिल्ली लग रहा काम में? नहीं साहब, वो दो महीना हो गया साहब, ने तनख्वाह वनख्वाह नहीं दिया हमारे को, हम बहुत परेशान है। और बेगम साहब को जब भी बोलते हैं वो आगे से हमारे को डांट देता है। अरे साहब भी कुछ नहीं करेंगे, सब अमीर लोग एक जैसे होते हैं, इनके दिल में गरीबों के लिए कोई हमदर्दी नहीं होती। मेरे पास तुम दोनों के लिए मुफ्त का आइडिया है। आओ ना, दो ना यार। देखो साहब आते हैं ना, तुम्हें पता है वो टुन आते हैं, और टुनारी में बंदा सखी हो जाता है। जब देखो ना साहब टुन है, बात करो और तनख्वाह बढ़ा दो। हाँ बिल्कुल कर देंगे, और सुबह उठकर भूल जाएंगे। मैं अगर चाहूँ ना अपने हाथ की सफाई से सारा नुकसान पूरा कर सकता हूँ, लेकिन नाजो बीबी का ख्याल मुझे ऐसा करने से रोकता है। अगर हम साहब की गाड़ी का एक ठेर भी चोरी करेगा ना, हमारे दो महीने का तनख्वाह पूरा हो जाएगा, लेकिन हमारा जमीर नहीं मानते। तो फिर रोते रहो अपनी किस्मतों पे। उन्हें कौन सा यहाँ तीर मार लिया? बेटा तीर मारा है मैंने, पेट्रोल पंप है ना, वहाँ पे सेटिंग बना ली तेरे भाई ने। मरा कमीना है तो और क्या, हम मर भी जाएंगे ना, इन अमीरों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इनके खजाने में से थोड़ा सा ले लेंगे ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। बात में वजन है भाई तुम्हारा। मैंने तो सोच लिया है, जिस दिन नाजो बीबी की रुख्सती हो गई ना इस घर से, तुम्हारा भाई एक लंबा हाथ मारेगा और सारी जिंदगी अय्याशी से गुजारेगा। तो क्या करने का सोच रहा है? अभी तो सोच रहा हूँ, जिस दिन कर गया ना तेरा भाई यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा। अभी तुम लोग पागल हो गए, पुलिस वाला पकड़ लेगा तुम्हारे को। पैसा है ना तो पुलिस ही बिक जाएगा, पैसा है तो पूरी दुनिया मुट्ठी में। राशिद मैं भी तेरे साथ हूँ। वो यार तुम लोग पागल हो गए? मैं भी यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ और मेरा बच्चा बीमार है। क्या मिला बेगम साहब को कहते हैं, वो सुनती ही नहीं, सुनी अनसुनी कर देती है। हाँ भाई, हमारे भी घर सैलाब में डूब गया था, उसका छत नहीं है अभी, हम पे पैसों का बहुत जरूरत है, हम भी कुछ करेंगे। बस फिर जो मैंने आइडिया दिया ना उस पे चलो।